परचेज कर सकते हैं, कोई भी जानवर आप इनमें से देख कर परचेज कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टिप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो बस आज का हमारा जो व्लॉग है, आज की हमारी जो वीडियो है, वो एक डेयरी फार्म के विजिट पर है, जिसमें हम आज फतेहजंग जा रहे हैं एक जस्ट मिल्क डेयरी फार्म पर। तो आज मैं आपको मुकम्मल तौर पर एक मॉडर्न डेयरी फार्म दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा एग्जॉटिक ब्रीड के बारे में। एग्जॉटिक ब्रीड के बारे में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भी और साथ मुकम्मल फार्म का व्यू देंगे, और आपको मुकम्मल तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर फार्म पर जानवरों को कमर्शियल तौर पर जानवरों को रखा जाता है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ जो भी मालूमात हुई आपको दिखाएंगे, जानवर भी दिखाएंगे और सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह। व्यूअर्स, हम निकल रहे हैं, ये गाड़ी हमारे पास आ चुकी है और हमारे बाकी साथी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। अभी हम बैठने लगे हैं और आपको साथ साथ दिखाएंगे, तो मौजूद हैं और अभी आप चलते हैं, आपको सब दिखाते हैं साथ साथ। ठीक है व्यूअर, इंशाल्लाह हम फार्म पर पहुंचकर और साथ आपको दिखाएंगे जानवरों के बारे में भी, साथ साथ फार्म का विजिट भी आपको करवाएंगे। हो सकता है शायद हम वहाँ से कोई जानवर परचेज कर लें, ये तो बात की बात है, वो सब आपको डिटेल के साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग तकरीबन ये फार्म तक पहुंच रहे हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हम फार्म के करीब हैं। बाकी फार्म का विज़िट आपको जाकर करवाते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग ये पहुंच चुके हैं जस्ट मिल्क डेयरी फार्म पर, जो कि फतेहजंग में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये इनका एंट्रेंस है, ये जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जस्ट मिल्क डेयरी फार्म। अच्छा, ये फार्म है। ये बायो सिक्योरिटी का ख्याल रखा जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है गाड़ी पे। अरे आ गया, ये वहाँ भी होती है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। समझ नहीं आ रहा क्या करने का। सही है, ठीक है, समझ यार। कितने लगवाया यार उसे? फ्रेंड्स, ये हम जस्ट मिल्क डेयरी फार्म पर एंटर हो गए हैं। पहले हम इसके गेट पर थे, जो कि वो नीचे आपको नज़र आ रहा है, नीचे वाली साइड पर। अभी हम एंटर हो गए हैं, ये गाय आपको नज़र आ रही हैं, तो चलें आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, टिप करेंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग फार्म पर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे जानवर यहां से निकाले हुए हैं बाहर वाली साइड पर, ताकि धूप उनको लग सके अच्छे तरीके से और अंदर वाली जगह खुश्क हो जाए। ठीक है, तो मज़ीद मैं आपको दिखाऊंगा सारा किसी तरीके से भी करके, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। कोशिश मेरी है कि आपको मज़ीद दिखाया जाए, सरसरी सही सही, लेकिन दिखाऊँगा ज़रूर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये इनका मिल्किंग पार्लर है, यहाँ पर ये मिल्किंग होती है जानवरों की, और देख सकते हैं आप, ये मिल्किंग पार्लर है, यहाँ पर मिल्किंग होती है। और ये सारा ऑटो है। तो फ्रेंड्स, ये है जी इनका अंदर वाला पोर्शन। माशाल्लाह जानवर आप देख सकते हैं, बेहतरीन है। इनमें से सब जानवर काफ़ी प्रेग्नेंट हैं, मिक्स हैं, मतलब हर तरीके के जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के अंदर प्रेग्नेंट भी हैं कुछ, जो थोड़े टाइम के हैं। हाई यील्ड इनका ये पोर्शन है, यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन वाले हैं माशाल्लाह। क्योंकि मिल्किंग के बाद का टाइम था, इसलिए जानवरों के थनों में, अर्डर्स में उनके इतना प्रेशर नहीं था माशाल्लाह। जानवर बेहतरीन है, यहाँ पर ओपन परचेज़ है, यानी कि जिस तरीके से भी आप अपनी मर्ज़ी का जानवर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाई और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट था। कोशिश की है कि आपको सरसरी सा ही सही, लेकिन जानवरों का कम अज़ कम एक छोटा सा व्यू मिल जाए और आप उनको देख सकें। ये देखें फार्मर्स,
माशाल्लाह। ये कब सुई है? तीसरा। तीसरा दिन है जिसको? आप चेक करें यहाँ का माहौल, इसकी लोकेशन फार्म की देखें, माशाल्लाह नीचे ये पानी है और इर्द गिर्द इसके सिर्फ पहाड़ हैं और बहुत ही अलग सी जगह पर है। वैसे ये शहर से काफ़ी करीब भी है और ऐसे कह लें कि दूर भी है, बड़ा एवरेज जगह पर ये फार्म है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं जानवर भी बहुत ज़बरदस्त हैं। ये सब जहाँ पर हम मौजूद हैं फॉर सेल वाला ये पोर्शन है इनका, सब के सब जानवर यहाँ पर फॉर सेल हैं। ये देखें माशाल्लाह कुछ प्रेग्नेंट हैं, पसंद आ रही है माशाल्लाह। ये देखें जी, हमें ये जानवर हमें पसंद आ रहा है, एक मुंह से दो दांत है और ये प्रेग्नेंट भी है। तो इवर जैसा कि आपको मैंने कहा था कि मैं फार्म आपको विज़िट करवाऊँगा, माशाल्लाह ये देख सकते हैं मौजूद हैं, ये ओपन, यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी जानवर आप इनमें से देखकर परचेज़ कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उनका जस्ट टैग नंबर नोट करें वहाँ से और फिर ऑनर के पास चले जाएं, वो आपको मुकम्मल तौर पर इसका रिकॉर्ड फाइलें सब कुछ आपको दे देते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स अभी आपको लेकर चलते हैं हम हेफर्स वाले सेक्शन में, ठीक है। वहाँ पर जो इनकी हेफर्स हैं वो आपको दिखाते हैं, वहाँ से हम पसंद करेंगे, अगर कोई पसंद आ गई तो हम वहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। माशाल्लाह फार्म बहुत ज़बरदस्त है, बाकी आपको विज़िट करवाते हैं साथ साथ। ये काफ है यहाँ का। तो फ्रेंड्स हमने जानवर सेलेक्ट कर लिए हैं, मज़ीद वो भी आपको दिखाऊंगा, अभी मैं नीचे जाने लगा हूँ क्योंकि सब लोग नीचे जा रहे हैं। तो जानवर हमने सेलेक्ट कर लिए और फौरन निकले। तो व्यूअर्स अभी हम जा रहे हैं हेफर्स वाले सेक्शन में, ये इनका बुल खड़ा है, शायद ये भी फॉर सेल है, छोटा है अभी। और अभी आपको दिखाते हैं मज़ीद फार्म का पूरा का पूरा आपको व्यू करवाएंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी बेसिक वीडियो का यही मकसद है कि आपको डेयरी फार्म विज़िट करवाया जाए, डेयरी फार्म पे किस तरीके से जानवरों को मैनेज किया जाता है कमर्शियल डेयरी फार्म्स पर, ये सब आपको इंशाल्लाह आज हम दिखाएंगे। तो व्यूअर्स अभी हम जा रहे हैं नीचे, ये है जी इनका हेफर्स वाला, और यहाँ पर कुछ प्रेग्नेंट जानवर भी होते हैं जिनको ये अलग कर देते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह ये कंट्रोल शेड है इनका, दूसरा पोर्शन यहाँ पर है। तो जानवर तो यहाँ पर इतने नज़र नहीं आ रहे, कुछ यहाँ पर ड्राई जानवर हैं और ये माशाल्लाह देखें काविंग हो रही है, ये गाय ज़ोर लगा रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखें ज़ोर लगा रही है, वाटर बैग इसने गिरा दिया है। तो व्यूअर्स हम लोग यहाँ से जानवरों को सिलेक्ट करके फौरी फौरी तौर पर निकलेंगे क्योंकि हमने अगले सेटअप पर जाना है, बाकी हमारा काम पड़ा है। तो माशाल्लाह ये इनका प्रेग्नेंट सेक्शन है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह। बाकी हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो जानवर सिलेक्ट कर रहे हैं, मैंने सोचा कि आपको साथ साथ जानवर दिखाऊँ। तो कोशिश मेरी रही है कि आपको मुकम्मल तौर पर दिखाऊँ, लेकिन टाइम क्योंकि थोड़ा होता है इसलिए आपको सरसरी सा नज़र आपको ताकि पड़ जाए कि फार्म्स पर कैसे जानवर रखे जाते हैं। मज़ीद मैं आपको वीडियो के अंदर सारा मुकम्मल तौर पर बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो व्यूअर्स अब हम वापस निकलने लगे हैं, ये हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम लोग बैठे हैं, अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। बाकी आपके साथ वीडियो के बाकी पार्ट्स मैंने बनाए हुए हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो हमने यहाँ पर तीन चार जानवर सेलेक्ट किए हैं, वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाएँगे। एक ये है जी, ये 812 नंबर है, 816 है और 801 और 815, ये तीन चार जानवर हैं, बाकी आपको मुकम्मल डिटेल आपको वीडियो में दूँगा मिल जाएगी। तो व्यूअर्स हमने कोशिश की है कि आपको फार्म को अच्छे तरीके से दिखाएं, तो अभी हम लोग वापस निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आपको सरसरी सा ही सही लेकिन आपको विज़िट करवाया। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस देखना तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर आपके कोई सवालात होते हैं तो मुझसे लाजमी कमेंट्स में लाजमी पूछा करें। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इस पर स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर चलाया हुआ है, तो आप उससे मुझसे मुझसे ओनली वॉइस मैसेजेस के थ्रू रब्ता कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप तक ज़रूर अप्रोच करूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।